नमस्कार दर्शकों, YouTube के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ तुला लगन व मिथुन राशि के लिए वक्री गुरु का प्रभाव। देव गुरु बृहस्पति 9 अक्टूबर 24 से वक्री होने जा रहे हैं और वो 3 फरवरी 25 तक वक्री रहेंगे। गुरु के वक्री रहने का प्रभाव तुला लगन व मिथुन राशि पर क्या पड़ेगा, इस वीडियो में हम इसी बात का विचार करेंगे। सबसे पहले हम समझें कि तुला लगन व मिथुन राशि का क्या अर्थ है। यह आपकी लगन कुंडली है। पहले भाव में 7 नंबर लिखा है, इसका अर्थ है आपका तुला लगन। चंद्रमा भाग्य भाव में बैठा है 3 नंबर में, इसका अर्थ है आपकी मिथुन राशि। यानी आपका कम्बिनेशन अगर तुला लगन व मिथुन राशि का बनता है तो आप ये वीडियो देखकर लाभ उठा सकते हैं। तुला लगन में वर्तमान में देव गुरु बृहस्पति अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और अष्टम भाव में गुरु का गोचर अशुभ है। लेकिन जैसे ही गुरु वक्री हो जाएंगे और सप्तम की तरफ जाएंगे तो तुला लगन से वक्री गुरु शुभ होने वाले हैं। मिथुन राशि से देव गुरु बृहस्पति द्वादश में गोचर कर रहे हैं और उनका द्वादश में गोचर अशुभ है। लेकिन जैसे ही वो वक्री होंगे, वो लाभ भाव की तरफ जाएंगे तो मिथुन राशि से भी वक्री गुरु शुभ है। इसका मतलब हमारे पास एक ऐसा कम्बिनेशन आ गया तुला लगन व मिथुन राशि कि लगन और राशि दोनों से ही गुरु का वक्री होना शुभ रहेगा और तुला लगन व मिथुन राशि के जातकों को बहुत अधिक राहत मिलेगी, क्योंकि तुला लगन में गुरु अष्टम में गोचर कर रहे हैं। अष्टम का गुरु काफी परेशानी देता है और मिथुन राशि में गुरु दशमेश होकर 12वें गए हुए हैं, जिसके कारण कैरियर में प्रॉब्लम आ रही है। अब जैसे गुरु वक्री होंगे आपको लाभ पहुंचेगा। अब हम देखते हैं कि 9 अक्टूबर 24 से 3 फरवरी 25 के बीच में आपको क्या बढ़िया ऑप्शन मिल सकते हैं। पहली बात, कैरियर को लेकर नए अवसर। आप तुला लगन व मिथुन राशि के जातक हैं और जॉब में किसी प्रकार की परेशानी चल रही है, वर्तमान जॉब में जैसे गोचर खराब चल रहा है और आप जॉब बदलना चाहते हैं, तो आप 9 अक्टूबर 24 से 3 फरवरी 25 के बीच में जॉब बदल सकते हैं। आपको जॉब मिल सकती है, वर्तमान जॉब में आपके प्रमोशन की संभावना बन सकती है और अगर आप व्यापारी वर्ग से हैं तो इस अवधि में निवेश करके लाभ उठा सकते हैं। ये वो समय है जो आपकी आमदनी में बढ़ोतरी का संकेत दे रहा है कि जो आपकी इनकम थी उसमें वृद्धि हो सकती है। जो अपने विवाह के इंतजार में थे उनका विवाह तय हो सकता है और जो दंपत्ति संतान प्लान करना चाहते थे संतान प्लान कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए भी समय अच्छा है। मिथुन राशि से सप्तमेश द्वादश में गया हुआ था, अब वो एकादश की तरफ आएगा तो दाम्पत्य जीवन के तनाव में कमी आएगी। अगर 9 अक्टूबर 24 से 3 फरवरी 25 के बीच में आपके कोई कोर्ट केस की डेट आती है तो आप लाभ में रहेंगे और अगर आपका व्यापार साझेदारी में चल रहा है तो भी आपके लिए लाभ की स्थिति बनेगी। तो ओवरऑल तुला लगन व मिथुन राशि के लिए स्थिति ये बन रही है कि जब देव गुरु बृहस्पति वक्री हो जाएंगे 9 अक्टूबर 24 से 3 फरवरी 25 के बीच में, तो आप देखेंगे कि आपके कामों की गति तेज हो जाएगी, काम की बाधाएं दूर हो जाएंगी और वर्ष 2024 में आपने जो भी सोचा हुआ था उसके होने की काफी हद तक संभावना बन जाएगी, क्योंकि वक्री गुरु आपको शुभ फल देंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, क्योंकि गुरु का वास्तव में गोचर अष्टम में और मिथुन राशि से द्वादश में हो रहा है, तो इसलिए गुरु की कोई ना कोई रेमेडी करते रहे जिससे आपके कामों में बाधा ना आए। वैसे तुला लगन व मिथुन राशि के लिए वक्री गुरु 60% तक बढ़िया रिजल्ट देने वाले हैं। तब भी आप रेमेडी के तौर पर हर गुरुवार को पीली वस्तु का दान कर सकते हैं। पीला कपड़ा हो सकता है, चने की दाल हो सकती है और हल्दी हो सकती है, और आप रोज गाय को रोटी दीजिए और गुरुवार को भीगी चने की दाल गाय को खिलाइए। तो आप देखिए, अगर आप ये रेमेडी भी करते रहेंगे और इधर वक्री गुरु भी आपके लिए शुभ हो गए तो आप तुला लगन व मिथुन राशि के लिए वर्ष 2024 का ये महत्वपूर्ण समय साबित होगा। तो दर्शकों, ये मेरा वीडियो था कि तुला लगन व मिथुन राशि के लिए वक्री गुरु 60% तक बढ़िया है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें जिससे जब भी मैं अपनी वीडियो अपलोड करूं उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरा वीडियो देख सके। इसके साथ ही नमस्कार दर्शकों, जय माता दी।